हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आई हूँ मॉल में और मैं करने वाली हूँ पिंक फूड चैलेंज। यस, मैं पिंक फूड हंट करूंगी और इस वीडियो में सिर्फ पिंक फूड ही खाने वाली हूँ। सो आई एम गोना गो टू अ स्टोर जहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग फूड आइटम्स मिल पाए एंड आई विश सारे आइटम्स बहुत ही टेस्टी हों। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले कॉफी, देन काम दूजा। चलो ढूंढते हैं सारा पिंक फूड और अगर आपको दिखे तो मुझे जरूर बताना। यार मुझे पहली चीज दिखी है पिंक। यार इधर तो बहुत कुछ है पिंक। मेंटोस बट आई थिंक ये अंदर से पता नहीं पिंक होगी या नहीं। यार ये टॉफी मैं बहुत बचपन में खाती थी, हार्ट शेप वाली। ये वो डेफिनेटली पिंक है। सारी टॉफीज लूंगी ना मेरे दांत सड़ जाएंगे। एक टॉफी बस। यार मुझे ना एक ये ऑप्शन मिला है बट इसमें ना एग है तो आई एम डेफिनेटली नॉट बाइंग इट क्योंकि मैं एग नहीं खाती। मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, सब मिलेगा। यार ये क्या है? कोई आई थिंक कोई स्प्रेड टाइप है ये और ये पिंक ही दिखा रहे हैं अंदर से जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। Should I buy it? Yes, you should. Okay then. चलो पीने का तो इंतजाम हो गया। चखने का भी कर दे। Yes, चखने का। वो चिप्स मिल जाए ना यार पिंक में, मजा आ जाएगा है ना। चलो यार मुझे ना ये मिला है किंडर जॉय, मैंने आज तक नहीं ट्राई किया एंड इट सेज पिंक एडिशन तो हम ये भी ले सकते हैं है ना। ये है मेरी मेहनत का फल। बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें ली हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई। जरा सीट पीछे करके आराम से बैठ जाते हैं हम भी। यार यार पता है इसकी इस शॉपिंग के बाद ना मुझे सिर्फ पिंक ही कलर दिख रहा था हर जगह। मुझे लग रहा था मैं हर चीज मुझे पिंक पे ही मेरी आईज जा रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों। यार सारी चीजें ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा मैं किससे स्टार्ट करूं। ये मैंने पहले लिया था तो मैं सोच रही हूँ इसी से स्टार्ट करती हूँ। ये नॉर्मल क्रंच है जो वेफर्स होते हैं वही वाला ही है बट मैंने इस ब्रांड का कभी भी नहीं खाया तो लेट्स सी ये कैसे है। प्रॉपर पैकिंग की गई है पूरे बॉक्स वॉक्स में। नाइस। माय गॉड, इतनी तगड़ी पैकिंग। यार ये अंदर से तो पक्का पिंक ही है इसकी क्रीम। आई होप मैं इसको मुझे ना बचपन में बहुत पसंद होता था टॉफीज और ये सब, इसलिए ना मेरे दांत में कैविटी हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा बंद कर दिया बट आई एम बैक टू पवेलियन। बहुत टेस्टी है मतलब मुझे तो किटकैट और मंच इसीलिए पसंद है क्योंकि उसमें क्रंच होता है। आगे भी खाना है कहीं मैं यही ना खाती रह जाऊं बट बहुत टेस्टी है। अब कुछ सोच रही मैं ड्रिंक टाइप हो जाए। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क है ना, फ्लेवर्ड मिल्क। मेरे को ना वैसे स्ट्रॉबेरी इतना पसंद नहीं, मैं चॉकलेट ही चूज करती हूँ बट ये पिंक चैलेंज था तो ऑब्वियसली मुझे ये लेना पड़ा। अच्छा ऑप्शन था उसमें तो लेट्स
ट्राई, मैं तो भूल ही गई यार इसका टेस्ट कैसे है। चॉकलेट मिल्क तो मैंने ट्राई किया हुआ है, लेट्स सी। आप इस स्ट्रॉ में देख लो, पिंक कलर है। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अच्छा है, नाइस। और अब स्ट्रॉबेरी की बात हुई थी तो प्रॉपर स्ट्रॉबेरी भी लेनी बनती ही थी, क्योंकि पिंक कलर से ना मुझे सिर्फ यही याद आता है, स्ट्रॉबेरी शेक और ये सब। इतना सारा जंक के साथ यार एक थोड़ा हेल्दी चीज भी हो जाए, मतलब ऑर्गेनिक। इसे कहीं रख देती हूँ। यस, पर इन बॉक्सेस में पैक करके ना नीचे तो घटिया घटिया स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं। बड़ी स्ट्रैटेजी खेलते हैं ये लोग भी, इसीलिए बॉक्स बनाते हैं ये। वैसे तो मुझे धोके खाना चाहिए, बट आई हैव नो ऑप्शन, सो आई एम गोना ट्राई इट लाइक दिस ओनली। क्या शेप है, वाओ। वो शेक पीने के बाद मुझे हर चीज फीकी लगने वाली है ऑब्वियसली। ये थोड़ा मीठी मुझे कम लग रही है, बट अच्छी है, नाइस। ये तो पूरी खा लेती हूँ वरना कहाँ रखूंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस पिंक ओरियो। नॉर्मल ओरियो तो मैंने ट्राई किया है, मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी कैसा है। ओके, इसके अंदर क्रीम पिंक है, क्रीम जो है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मैं जब छोटी थी ना तो मैं ऐसे पहले क्रीम को ऐसे लिक करती थी, और फिर ये तो कभी खा लिया नहीं तो मैं खाती ही नहीं थी। क्रीम के लिए मैं ऐसे क्रीम बिस्किट्स लेती थी। नाइस नाइस नाइस। यार ये चीज मैंने ना कभी ट्राई नहीं की थी। ये मुझे पिंक कलर की ऐसा लग रहा है, पता नहीं शेविंग क्रीम है या क्या है। बट मुझे मतलब स्प्रेड टाइप है, डिप या स्प्रेड, आप वैसा कुछ ही लग रहा है। विंग ग्रीन्स का 1000 आइलैंड। ये अगर चिप्स विप्स होते या कि कुछ ब्रेड व्रेड होती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट अब मैं सोच रही हूँ इसको ट्राई करना तो बनता ही है। इसका कलर देखते हैं, अंदर से वाइट है कि पिंक है। पिंक ही है यार, मैं सोच रही हूँ अजीब पिंक है पर ये नहीं यार, पर पिंक ही है। पता है वो ना, वो डर्टी पिंक लग रहा है, बट इसको मैं सोच रही हूँ, मेरे पास चिप्स नहीं मिले मुझे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको मैं स्ट्रॉबेरी पे लगा के खाऊं, है ना, जैसे चॉकलेट लगा के खाते हैं। यार ये व्हाइट मेयोनीज और टोमेटो सॉस मिक्स है सच्ची में, उसका पिंक कलर बनाया हुआ है इन्होंने, ये दोनों का मिक्स है। टेस्ट बिल्कुल वही है केचप का और वो टोमेटो केचप और उसका। यार ये क्या, अगर ब्रेड पे लगाओ ना दोनों चीजें वही टेस्ट आते हैं, इन्होंने बस एक प्रोडक्ट बना दिया उस चीज का। नाउ वी हैव द कैंडीज, मेरे बचपन का प्यार। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वाली कैंडीज, बट मुझे दिखी ही नहीं यार उसके बाद तो कभी। Let's have it. कितनी क्यूट लग रही है ना, ऐसा लग रहा है वैलेंटाइन स्पेशल है। पिंक कलर, ये भी पिंक है यार, लाइट पिंक, बेबी पिंक, और इसके अंदर कुछ है भी पिंक पिंक पिंक। हाँ यार तो सुंदर है ना, हार्ट शेप में। कैमरे पे उतना कैप्चर नहीं हो रहा, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नाइस नाइस नाइस। और भी कुछ था कि हो गया सब कुछ? ओ यस यस यस, अभी तो है, अभी तो है हमारे पास कुछ। वी हैव दिस पिंक लस्सी। वैसे तो मुझे छाछ ही पसंद है, नॉर्मल वाली जो होती है वो, और मैंगो लस्सी मैंने ट्राई की, मुझे वो भी अच्छी लगती है। ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। यस
यार इसके अंदर से तो प्लीज दिखाओ। ओके ठीक है, मैंगो लस्सी ज्यादा अच्छी है बट ठीक है, पिंक लस्सी के हिसाब से बढ़िया है। ये लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये मैंने इतने छोटे बच्चों का फेवरेट देखा है ना, मतलब वो रोते हैं इस चीज के लिए, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और ये पिंक एडिशन था तो मुझे ये ऐप लगा इस वीडियो के लिए, और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ये ट्राई करूंगी। बहुत कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है तो इसमें, हाँ यार खाया ही नहीं है, नए बच्चे जो आजकल की जेनरेशन है ना उनकी चीजें हैं, मैंने खाया नहीं यार ये। माय गॉड मुझे तो ये भी नहीं पता ही खुलता कैसे है। थोड़ा मार के देख। okay. इसके अंदर कोई ऐसा प्रोफाइल फोटो बनी है जिसने डीपी नहीं लगाई हुई। okay. देखो वाओ ये क्या यार, ये कौन सा पिंक एडिशन है, इसमें कुछ पिंक हो जाए यार। ओह माय गॉडनेस वाओ, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट ईट दिस, ये बंदी पिंक है। दिस इज नाइस, ये अच्छी लग रही है वैसे, क्या करें पर इसका हम, इसको ड्रेस, इसकी ड्रेस है ये। ओ नाइस, खा जब इसको, इसे तो नहीं खा सकती अब। मेरे को ये हजम नहीं हो पाएगा, और वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। आई कांट अफोर्ड टू ईट दिस। यार ये कोई चम्मच चम्मच नहीं होती इसमें, कि बंदे से ही खाना है क्या? मुंह मार सीधा। ओ इसके अंदर एक और लेटर भी है यार। खाना छोड़ के सब दे रखा है इसमें। यार ये चीजें कितने था कितने का, ये लूट मचा रखी है, बच्चों को पागल बनाते हैं। ये रहा 45 रुपए का ये। यार मुझे पता है क्या लग रहा है, यही होगी स्पून जिसे मैं ये प्रोफाइल फोटो समझ रही थी। यार ऐसे ही तो होता है मेल और फीमेल वाला, यही होगी स्पून। हाँ एक और डिफरेंट मीनिंग्स निकल जाते हैं। ओह माय गॉड ये नॉर्मल चॉकलेट ही है, मतलब मैंने अपने बालों पे भी लगा लिया। आई एम लिटरली वेरी मेसी, चलो जो भी है जैसा भी है, मतलब नॉर्मली है, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का मिक्स करके पता नहीं वो कॉम्बिनेशन सा बना रखा है, क्रीम और लड्डू जो है चॉकलेट के। जो भी, तो आई एम डन विद माई स्टफ, ये था मेरा वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय।